नमस्कार, मैं आशवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को शुभकामनाएं दी। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि इस बार संविधान दिवस खास है क्योंकि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पीएम ने आगे कहा कि आज 26/11 हमले की भी बरसी थी। जब देश संविधान का उत्सव मना रहा था तब मानवता पर हमला हुआ, इसमें मारे गए सभी लोगों को मैं याद करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान ई कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों और वेबसाइट का उद्घाटन किया। इसमें वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3 WAAS वेबसाइट्स शामिल है। इसके जरिए देश की आम जनता के लिए न्यायिक व्यवस्था सरल हो जाएगी। दिल्ली MCD इलेक्शन 2022 को लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने शनिवार को अपना 10वां स्थापना दिवस भी मनाया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शराब घोटाले के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को कट्टर ईमानदार बताया है। मुंबई की युवती श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सूत्रों के अनुसार श्रद्धा के पिता मदन विकास वालकर से DNA मैच कर गया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की जांच में और तेजी आ सकती है। न्यूजीलैंड में खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच हैमिल्टन में रविवार को खेला जाएगा। भारतीय टीम शनिवार को हैमिल्टन पहुंच गई है। पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। हैमिल्टन में भारत जीत के साथ वापसी करना चाहेगा, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि भारतीय टीम का हैमिल्टन में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। इसरो ने आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 ओशन सैट 3 सैटेलाइट लॉन्च किया। लॉन्चिंग PSLV XL रॉकेट से की जाएगी। साथ ही 8 नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च किया गया है। 26 नवंबर यानी कि 26/11 भारतीय इतिहास की वो काली रात है जिसका भयानक मंजर कोई भूल नहीं सकता। यह वह दिन है जब मुंबई शहर आतंकी हमले की चपेट में आ गया था। हर तरफ चीख पुकार मच गई थी। कई लोगों ने अपनों को इस हादसे में खो दिया तो कई बच्चों को इस हादसे में अनाथ होना पड़ा। 26/11 के दिल दहला देने वाले मंजर की कसक आज भी लोगों के मन में बनी हुई है। सेना के खिलाफ दिए गए बयान के मामले में अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के खिलाफ राज्य के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के खिलाफ जो शिकायत मिली है उसकी जांच करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अभिनेत्री को सेना का सम्मान करना चाहिए, ये सेना है सिनेमा नहीं। कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ बच्चन ने अपने पुराने दिनों को याद किया है। उन्होंने बताया कि एक वक्त था जब उन्होंने 3-3 फिल्में एक साथ की थी। उन्हें तीनों ही फिल्में के लिए लगातार शूटिंग करनी पड़ती थी जिस वजह से वह घर नहीं आ पाते थे। उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार को बेहद कम टाइम दे पाए हैं। इन बातों को बताते हुए अमिताभ इमोशनल हो गए थे। चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ। इसी कोशिश के तहत ताइवान ने सभी मिलिट्री बेस की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए सुरक्षा ठिकानों के आसपास ड्रोन को उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। इस नियम की अनदेखी करने वालों पर 3,00,000 ताइवानी डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग में क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय परिवहन प्राधिकरण का गठन हुआ है जिसमें गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन किया गया है। इन सदस्यों में सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं जबकि कांग्रेस और राजद के किसी सदस्य को कमेटी में मौका नहीं दिया गया है। प्राधिकार में सभी 11 गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर हुआ है। पहाड़ी राज्यों में शुमार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच बर्फीली हवाओं ने दिल्ली NCR में न्यूनतम पारा गिरा दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपनी 2 योजनाओं को बंद कर दिया है। LIC ने अपने टर्म इंश्योरेंस प्लान जीवन अमर और टेक टर्म को वापस ले लिया है। बता दें कि LIC का यह फैसला 23 नवंबर से प्रभावी हो चुका है। संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने एक कार्यक्रम में कई बड़ी बातें कही। कानून मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार कानूनी सामग्री का अनुवाद देश की क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा। इसके लिए कानून बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूर्व चीफ जस्टिस SA बोबडे की अध्यक्षता में कानून मंत्रालय की मदद से एक समिति भी बनाई है। दिल्ली CM ने ट्वीट करते हुए कहा कि MCD चुनाव 2 लाइनों में BJP के 10 वीडियो बनाम केजरीवाल के 10 काम, 4 दिसंबर को जनता देगी जवाब। गौरतलब है कि शनिवार को जो सत्येंद्र जैन का एक नया वीडियो सामने आया है उसमें वह जेल की अपनी कोठरी के अंदर तिहाड़ जेल के एक अधीक्षक से मुलाकात करते दिख रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई विमानों की सुरक्षा को लेकर विमान सुरक्षा नियम 2022 के मसौदे की अधिसूचना जारी की है जिसके अंतर्गत सुरक्षा उपायों के उल्लंघन पर हवाई अड्डों और एयरलाइन पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
लगाया जा सकेगा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के पास सुरक्षा में चूक होने पर यह अधिकार होगा कि वो हवाई अड्डों और एयरलाइन पर 1 करोड़ का जुर्माना तक का लगा सके। प्रसिद्ध शिव मंदिर के पुजारियों ने राहुल गांधी के सिर पर पगड़ी रखी थी और उनके कंधों पर ओम लिखा दुपट्टा लपेटा था। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने तस्वीर को उल्टा शेयर करते हुए लिखा कि अब ठीक है। इसके बाद शिवसेना नेता चतुर्वेदी ने ईरानी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से आगे निकलने की कोशिश में हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। देश आज यानी 26 नवंबर को बड़े गर्व के साथ अपना संविधान दिवस मना रहा है। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। इसे बनाने में 2 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। तब से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर की तारीख पहले कानून दिवस के रूप में मनाई जाती थी। दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले का निधन हो गया है। उन्होंने 77 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बीते दिनों एक्टर की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने जेल में स्पेशल फूड देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सपा को यकीन है कि परिवार का विवाद सुलझने की वजह से उसने उपचुनाव में पहले ही बढ़त बना ली है। शिवपाल यादव भाजपा का समीकरण बिगाड़ने में जुटे हैं। शिवपाल के प्रचार अभियान में आने के बाद सपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। राजधानी रांची में किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं श्रमिक संगठनों की ओर से मोर्चा निकाला गया है। यह मोर्चा किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूरा होने और विभिन्न मांगों को कानून का रूप देने के लिए निकाला गया। जिला स्कूल से यह मोर्चा निकला, जो राजभवन में जाकर सभा के रूप में तब्दील हो गया। पटना विश्वविद्यालय में 30 नवम्बर से स्नातक वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 2 की परीक्षा होनी है, लेकिन वेबसाइट में आ रही तकनीकी परेशानी के कारण कई छात्रों का फॉर्म नहीं भरा पाया है। बिहार के मंत्री नीतीश कुमार कल 27 नवंबर को राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन करेंगे। राजगीर के बाद 28 नवंबर को सीएम गया और बोधगया में भी इसी योजना का शुभारंभ करेंगे। अपने बयान में ओवैसी ने कहा कि सत्ता कभी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती, एक दिन सत्ता चली जाएगी। सत्ता के नशे में गृहमंत्री आज कह रहे हैं कि हमने सबक सिखाया, आपने क्या किया? सबक सिखाया, आप पूरे देश में बदनाम हो गए। आपने क्या सबक सिखाया कि दिल्ली में दंगे हुए? व्हाट्सएप यूजर्स अब तक अपने स्टेटस पर वीडियो के साथ ही टेक्स्ट भी लगा सकते थे, लेकिन अब यूजर्स को एक बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है, जिसकी बदौलत यूजर्स अब एक नए फॉर्मेट में स्टेटस पोस्ट कर पाएंगे। चुनाव आयोग की नियुक्ति की फाइल बिजली रफ्तार से क्लियर की गई है। जिस दिन एप्लीकेशन आती है उसी दिन क्लियरेंस दे दी जाती है और प्रधानमंत्री भी नाम को मंजूरी दे देते हैं। ऐसी एजेंसी क्या थी जो सारा काम एक दिन में ही करके नियुक्ति दे दी गई? हमें भी पता है कि कुछ काम बिजली की रफ्तार से करने पड़ते हैं, लेकिन यहां तो वैकेंसी 15 मई से थी। 30 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे गुजरात के मोरबी में माछू नदी पर बना 765 फीट लंबा और महज 4.5 फीट चौड़ा केबल सस्पेंशन ब्रिज टूट गया। 135 लोगों की मौत हो गई। इनमें 56 बच्चे और 32 महिलाएं थी। 28 दिन गुजर गए। गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में खुद से सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियां तय नहीं कर पा रही हैं कि मामले में गुनहगार कौन है। पटना के गांधी मैदान में शुक्रवार को 5 राज्यों के 10,000 से ज्यादा लोग जमा हुए। इनकी एक ही मांग थी कि भारत सरकार सरना धर्म कोड को लागू करे। इसका मतलब यह हुआ कि अगले जनगणना फॉर्म में दूसरे सभी धर्मों की तरह सरना के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए। इसके साथ ही हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख और बौद्ध की तरह सरना को भी अलग धर्म का दर्जा मिले। सरकारी डॉक्यूमेंट के लिए दफ्तर का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, अब घर से ही बर्थ या मैरिज सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोग में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है भान प्रकाश मौर्य, राजकुमार प्रसाद, ऋषि कुमार गुप्ता, मुटु रंगीला, जितेंद्र ठाकुर, निशा कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार किस राजनीतिक पार्टी का पलड़ा भारी है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।